स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपनी किस्मत सवारने में जुटी महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें प्रशिक्षित करने की तैयारी में है, जो जिला के अन्य ब्लॉकों के गांव में जाकर स्वयं सहायता समूह का गठन करेंगी। इसलिए उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से करीब 400 रुपए बतौर पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। शर्त यह है कि उनका समूह एक वर्ष पुराना होना चाहिए। जोहार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संथाल में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं, साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के बारे में भी चर्चा करते हैं। आज हम दुमका जिले के जामा प्रखंड में उपस्थित है। यहाँ आज हम ऐसे कुछ महिलाओं से मिलवाएंगे जो सखी मंडल से जुड़ी हुई हैं और उन्हें RCT के माध्यम से ये बैंक से संबंधित ट्रेनिंग दिया जा रहा है, वो चाहे वो बचत से संबंधित हो, चाहे वो बीमा से संबंधित हो, ताकि वो ट्रेनिंग लेकर गांव के अन्य महिलाओं को, अन्य पुरुषों को, अन्य लोगों को समझा सके और उन्हें जागरूक कर सके। तो आइए मिलते हैं इन्हीं कुछ महिलाओं से। LFCRP की ट्रेनिंग लेने आई हूँ, जिसमें हमें बताया गया कि मुख्य तरह से पैसे का बचत कैसे किया जा सकता है, उसका सदुपयोग कैसे किया जा सकता है, जिससे हम पैसे को बचाकर क्या क्या कर सकते हैं। पहला तो हम सबसे पहले कि हमें समूह में जोड़ा गया था, गांव-गांव जाके हर महिला को समूह में जोड़ा गया और सबसे पहले उन्हें 10 रुपया करके बचत करना सिखाया गया। उसके बाद 10 रुपया बचत करके जो पैसा इकट्ठा होता था उसी से वो महिलाएँ छोटा मोटा ऋण लेके अपना घर गाँव में खेती बाड़ी, छोटा छोटा बिजनेस, जो वो बकरी गाय वगैरह खरीद के अपना गुजारा करती थी, उसी से फिर धीरे धीरे जाके उन्हें पैसे का ज़्यादा मतलब ज़्यादा ऋण देने लगी, ज़्यादा पैसा जमा करने लगी, उसी से वो अपना कारोबार चलाने लगी, जिससे उसको ज़िंदगी में बहुत सुधार आया। उसके बाद उन्हें गांव-गांव जाके और यहाँ पे हमें सिखाया कि हर महिला को उसके आगे समझाना है कि कैसे वो उससे ज़्यादा आगे बढ़ सके। जैसे कि गांव-गांव जाके हर महिला का सबसे पहले खाता खुलवाने के लिए कि सभी महिला अपना खाता खुलवाए और वो बैंक से जुड़े और बैंक में जाके वो अपना जो भी बचत, जो भी कारोबार करे, जो भी बिजनेस करे, उससे जो बचत हो, जो खर्च करने के बाद जो बचे वो बैंक में जाके जमा करें और उससे वो उसका जो, और उसके बाद उन्हें उनका बीमा के बारे में बताया गया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला बीमा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जिसमें 20 रुपया सालाना कटता है। वो बचत उसको कट जाने के बाद अगर वो उनका किसी तरह का भी एक्सीडेंट हो जाए तो उन्हें या फिर उनके परिवार को 2 लाख रुपया तुरंत मिलता है, जिससे उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। और दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें सालाना 436 रुपया कटता है। उसमें अगर किसी भी प्रकार से मृत्यु हो जाए, चाहे वो एक्सीडेंट हो या फिर नॉर्मल हो, उसमें उन्हें 2 लाख रुपया मिलता है। और अगर किसी तरह दुर्घटनावश उनका विकलांग हो जाए, दिव्यांग हो जाए या फिर आधा अंग खराब हो जाए, उसमें उनको 1 लाख रुपया मिलता है। लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाने के बाद दोनों बीमा के तहत उन्हें 4 लाख रुपया मिलता है, जिससे उनके परिवार में बहुत ज़्यादा सुधार आता है और उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में स्वयं सहायता समूह का गठन मुख्यतः CRP
कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के द्वारा किया जाता है। सीआरपी कम से कम एक साल पुराने समूह की सदस्य होती हैं और उनकी सक्रियता के अनुसार उनका चयन किया जाता है। आज इसी तरह इस कार्यक्रम से दुमका के सखी मंडल की महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं, जिन्हें सीआरपी का प्रशिक्षण देकर इन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। तो नोडे एफएल सीआरपी आरसीटी प्रशिक्षण ले हताव किदा जे बोले अडी दिन दो दीदी ताकू ग्रुप रे बाकू जुड़ाव लेना नी दोले जुड़ाव ना जतोवा ले बुझ किदा बई बई ते ग्रुप रे ले जुड़ाव ना खाता खुले खुलो चुए कुआ आर मतलब खेती रे हना नुआ बेकरी कुरे गाय को पालन एक्वाले तो इसके बाल में दा नी दो इनकम हुई उकान तबु ना तो खाता हुबुन खुलो चुया आर बीमा हुबुन बीमा चुया लाद हुबुन बीमा चुया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा उना दो बछर रे 20 टका गी कटा कन आर दीदी ताकुआ उमर दो हुई उकना 20 खोय 17 हबि रन गी आर उना दो अबु मतलब दुर्घटना मृत्यु हुई लेन खाय ओडा घर परिवार 2 लाख टका को न्याम तबुना तो नि ढेर ढेर ले बुझाव अकुआ नवा समूह रे जुड़ाव कते आ ढेर को बुझाव किदा जतो ले जागरूक ना आर नोंडे को सेन कते ओड़ा रे गांव रे पंचायत रे ई ग्राम संगठन रे सीएलएफ रे ओंडे दीदी तकुले जारवा कुआ आर बीमा बारे तेले लय अकुआ जो दीदी आपे या बीमा जुदी बांग हुई कना आर खाता हो जुदी बांग खुलो कान खाय तो खाता बुन खुलो चुया आर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा हमुन बीमा अचुया आर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति हमुन बीमा अचुया बनारगी ना फर्स्ट बीमा दो 20 रुपया बछर रे कटा आर नवा सेकेंड उना दो 436 टका अदे 436 टका जहाँ लेखा कते गी मृत्यु हुई लेन खाय 2 लाख नामो आर जंगा आरती कटाव लेन खाय दो 1 लाख नामो तो दीदी ताको को बुझाओ किदा जो तोड़ गी को है या आर बुन है चुकुआ आर बुन बुझाओ चुकुआ अदो सेन कते नोंडे गी ओना को गी बुन लेई कुआ अंडे ले कते गी मुचो किदा जो तो को गी धन्यवाद। अच्छा आप सेटिंग के माध्यम से महिला को इसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि वो रोजगार से जुड़ सके तो आरसीटी के योगदान के बारे में अगर आरसीटी नहीं होता तो क्या आरसीटी जुदी बांग तहलेन खाले जागरूकगी वाले न्याम किया चिकाले लय की कुआ आरसीटी रहे कते अडियामा जागरूक ले न्याम किदा समूरे जुड़ाव कते महिला आजीविका को बढ़ाओ किदा आर गैर जरूरी बाकू खर्चाए दा जरूरी को खर्चाए दा पैसा को बचत दा जमाए दा जरूरी को खर्चाए दा अनारगी तो पैसा बचा कना आर को बीमा अचुईदा अदो बीमा कते नी दार सिटी माध्यम ते अडे इमा नी दो ची किदाले 12 दिन तिगी हुला ले है केना तिहिं 12 दिन आर नी दार 5 दिन बकी हिना तो सेन कते आतु आतु ले चला दीदी तकुले बुझाओ कुआ बोले जो तो हर समूह रे जुड़ा पे आर जो तो हर बुन बिजनेस आ आजीविका बुन बढ़ावा आजीविका बढ़ाओ कते धीरे धीरे बोले 100% बुन से जहाँ दिन की बुन कमावा आधा दो बुन बचता बचत कते आरो तीन जरूरी खर्चा है ना ना जरूरी खर्चा करते आरो सारे पैसा दो बैंक रिबुन जमा का बुरे गिदर बुन पढ़ा लिखा चुका मौजते। उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण के इस युग में महिलाएं अपनी स्वाधीनता अधिकारों और स्वतंत्रता सुरक्षा सामाजिक स्थिति आदि के लिए अधिक जागरूक हैं लेकिन आज तक वो इससे वंचित थीं इसलिए उन्हें सम्मान के साथ उनके योग्य अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सखी मंडल का बेहतर योगदान रहा है। यहाँ पे हम लोग एफएल सीआरपी का ट्रेनिंग ले लिया है अभी 2 दिन का प्रशिक्षण हुआ है। पहले में तो हम लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ दूसरा में तो प्रशिक्षण में आईसीआरपी एफएल सीआरपी के बारे में बताया गया कि एफएल सीआरपी क्या है। तो एफएल सीआरपी हम लोग का है वित्तीय साक्षरता कम्युनिटी रिसर्च पर्सन जो वित्तीय मतलब पैसा है पैसा का कैसे उसको उपयोग करना है उसके बारे में हम लोग को बताया गया है। सबसे पहले तो यहाँ से जब हम लोग जाएंगे यहाँ ट्रेनिंग होने के बाद जब अपना क्षेत्र जाएंगे तो क्षेत्र में एसएजी से जुड़ी दीदी लोग को बताएंगे कि आप लोग बैंकिंग से जुड़िए बैंक से जुड़िए सेविंग खाता खुलवाइए सेविंग खाता में इंश्योरेंस करवाइए। 2 प्रकार का इंश्योरेंस है पहला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसमें सालाना 20 रुपया उसमें कटेगा दीदी और जब आप किसी तरह अगर दुर्घटना से मर जाते हैं
तो उसमें 2 लाख का इंश्योरेंस है जो आपके परिवार को मिलेगा। दूसरा इंश्योरेंस है प्रधानमंत्री सुरक्षा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जो इसमें सालाना आपको 436 रुपया कटेगा। जब किसी प्रकार से मृत्यु हो जाए, किसी भी प्रकार से, फिर भी आपको 2 लाख का इंश्योरेंस होगा। अगर आपका मृत्यु नहीं हुआ या फिर एक अंग अपच हो गया या विकलांग हो गए हैं, फिर भी आपको 1 लाख का इंश्योरेंस होगा। ऐसा करके हम लोग उसको दीदी को बैंक से जोड़ने के लिए जागरूक करेंगे। समूह में जुड़े नहीं थे, अब समूह में जुड़ गए, सब कुछ जानकारी हो गया और आके 2 दिन हम लोग प्रशिक्षण ले लिए। पहले तो अनपढ़ महिला जैसा पढ़े लिखे होके भी बैठे रहे थे, अभी तो काम कर रहे हैं तो दिन में 350 रुपया मिलेगा, वो भी 20 से ऊपर दीदी बैठक करेंगे, 1 से 2 घंटा, 2 से 3 घंटा प्रशिक्षण देंगे दीदी लोग को। 15-10 मिनट में नहीं ना समझेगी, वहाँ बैठा के समझाएंगे तो ही हम लोग को 350 रुपया मिलेगा। समाज के ग्रामीण तबके की महिलाएं की आर्थिक और सामाजिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आई है। इसके अलावा सरकारी कार्यक्रमों को विभिन्न SHG के माध्यम से लागू किया जा रहा है, जिससे ये न केवल पारदर्शिता और दक्षता में सुधार करेगा, बल्कि हमारे समाज को महात्मा गांधी की कल्पना के अनुसार स्वशासन के करीब लाएगा। यहाँ पे सभी दीदियों को FL ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो 6 दिनों का कोर्स है। इस कोर्स के दरमियान में जितनी भी दीदियाँ यहाँ पे आई है, जिनका चयनित जिन माध्यम से हुआ है, उनको प्रशिक्षित करना है। इस प्रशिक्षण के दरमियान में कई ऐसे ट्रेनर आए हैं जो इन सभी को FL ट्रेनर का एक्चुअल में क्या काम होता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी देंगे। इस उद्देश्य को पूरा करने में पूरा कंप्लीट 6 दिनों का समय लगेगा। इन सभी को मुख्य रूप से वैसे दीदियों को प्रशिक्षित करना है जो किसी कारणवश बैंक से नहीं जुड़ पाई है। बैंक से जुड़ने के बाद बचत कैसे करना है, बचत करने के लिए इन्होंने कई ऐसे विकल्प चुन लिया था जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता था, कोई ब्याज दर नहीं था, पर बैंक के साथ जुड़ेगा और वहाँ बचत करेगा तो इनकी रुपया भी जो है वह सुरक्षित रहेगा, पर और साथ ही साथ समय समय पर उसका एक ब्याज दर भी प्राप्त होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में इनको बारीकी से समझाया जाएगा, प्लस बैंक का क्या क्या स्कीम है जो इन सभी को और सुरक्षा प्रदान कर सके भविष्य में, जैसे अटल पेंशन योजना के बारे में भी बताया जाएगा, सुरक्षा बीमा योजना के बारे में भी बताया जाएगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में भी बताया जाएगा। इन सभी चीज़ों को बताने के बाद इनको डोर टू डोर सभी दीदियों को इकट्ठा कर एक जगह पर इन सभी चीज़ों के बारे में बताना इनका मेन उद्देश्य होगा। इस प्रशिक्षण के बाद इनको एक न्यूनतम राशि जो वर्तमान समय में बताया जा रहा है कि 350 रुपया प्रत्येक दिन के हिसाब से मिलेगा, आने वाले समय में इन सभी को और कुछ अच्छे अच्छे स्कीम के साथ भी जोड़ा जाएगा। इसीलिए इसमें मुख्य रूप से सारे पढ़ी लिखी महिलाओं को ही चयनित किया गया है। धन्यवाद। प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट के प्रसार प्रसार के लिए हम लोग का सबसे मेन फोकस रहता है कि लोगों के बीच में अच्छी तरह से प्रचार करना है। इसके लिए हम लोग लगभग वीकली में, हर हफ्ते में हम लोग जगह जगह हर प्रखंड में जाते हैं, गांव विलेज में जाते हैं, वहां पे हम लोग EAP के द्वारा, जो कि इंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, इसके द्वारा हम लोग लोगों को इकट्ठा करते हैं। उनको खेल के माध्यम से, माइक्रो लैब है और भी टापर बिल्डिंग लैब है, इस खेल के माध्यम से उनको अवगत कराते हैं कि आपके लिए रोज़गार क्यों ज़रूरी है, इससे आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसके अलावा हम लोग पेपर में सिम से इश्तिहार देते रहते हैं, पैम्पलेट वगैरह लोगों के बीच बांटते रहते हैं, लोगों से मुखिया हैं उनसे संपर्क में रहते हैं, जो दीदी वगैरह समूह की दीदी लोग हैं उनसे संपर्क में रहते हैं और उनसे हम बातचीत करते रहते हैं कि अगर किसी भी परिवार में कोई रोज़गार शुरू करना चाहते हैं और उनको उसके लिए जानकारी के अभाव है कि आखिर वो किस चीज़ में अपना रोज़गार शुरू करें, आखिर उनके लिए क्या बेनिफिट होगा, तो हम उनको उसके मार्गदर्शन देते हैं और उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग यहाँ पे देते हैं। गाती को नी तो बुन नेल किदा जे चिल्लिका दुमका रेन सखी मंडल रेन गोगो होर दो RCT माध्यम ते FLCRP रिया प्रशिक्षण को नाम दा और उनाते उनको दो 65% को कमाओ दाड़िया कना और उनको दो मिटन सशक्त बिना रिया कुरुमुटुई दा और लहासे को तड़ाम दाड़िया कना आर गाती को उना साउते दिला नितो बुन चला पाकुड़ रिया खपुर अतुरे उकारे बिरसा हरित ग्राम योजना होते थे ओंडे रेन होर दो लाभ को नामे कना बिरसा हरित ग्राम योजना दो सरकार या मिटन योजना कना उका होते थे होर दो पैसा को नाम दा से सरकार से खुन गोड़ो को नाम दा ऐमा लिकान फलदार जो वना दारी लगाओ रिया नन में सपरी दारी से उल दारी लगाओ को
व्यवस्था को कना उका और दो प्रतिगी तहें कना उना औतरे उना को रोहयदा और उना देखभाल रगी हो सरकार से खोन गोड़ो को नामदा दिला तो बेबुन चला खापुर आतुरे उका दो पड़ा कना पाकुड़ जिला रे और बुन बड़ाया जे चेलिका ऑंडरन हॉर नुआते लाभ को हतावदा। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम संथाल डायरी में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, संथाल डायरी कार्यक्रम में संथाल में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखंड के खापुर गांव में, जहां पे राज्य और केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है बिरसा हरित ग्राम योजना। इससे किसान किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं और इस योजना के आने के बाद से इनके जीवन में कितना बदलाव आया है, आइए हम ग्रामीणों से जानते हैं। योजना तो लाभकारी है, क्योंकि यहाँ बंजर जमीन ये रहा था तो खेती बाड़ी नहीं होता था, पानी के अभाव में या बकरी चल लेता था, ऐसे ही पड़ा रहता था। तो ग्राम सभा में हम लोग गए, वहाँ देखे जाके कि सबको ये योजना ये कर रहा है सरकार के इसे, तो हम लोग भी गए, हम लोग भी लिखाए वहाँ, चाचा को बोले, चाचा जो हरीश शेख है उसी के नाम पर हम लोग ये किए। तो प्लांटेशन के बारे में हम लोग को भी बताया गया, तो हम लोग प्लांटेशन का लाभ समझे उन लोग से, तो वो रहा कि नहीं बहुत अच्छा ये है, ये योजना है। पहले तो बंजर जैसा, जैसे ये साइड में भी देख रहे हैं उसी तरह 112 गाछ है। 112 गाछ जी। जमीन कितना है? जमीन 3 बीघा है। 3 बीघा जमीन में 112 पौधे लगे हुए हैं जी। कौन कौन सा किस्म है इस आम का? आम का तो सर आम्रपली है, उसके बाद फजली है, लंगड़ा है, दो चार किस्म का ही आम लगाए। तो सबसे पहले अगर आम के पौधे लगाने की बात करते हैं, तो आम का पौधा को कहाँ से मिला? लगाने के लिए गड्ढा करना पड़ता है, कुछ दवा डालना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है, तो कहाँ से ये सब आपको मिला? ये ब्लॉक से, ये यहाँ जो रोजगार सेवक है वो वही इलाके हम लोग को यहाँ दिया गया, और ये बोल रहा है कि 112 गड्ढा ये करो, ये करके जो है वो 112 गड्ढा में हम लोग खाद डाले, उसके बाद ये ब्लॉक से ही गाछ आके दिया गया, उसी गाछ को हम लगा के। तो गड्ढा करने के लिए पैसा खुद का लगा या सरकार की ओर से आपको मिला? नहीं, खुद का नहीं लगा, ये सरकार के ओर से ही पैसा है। हम लोग का जैसे प्रत्येक गांव में ग्राम सभा होता है सर, और ग्राम सभा में पहले ही सारा गांव वालों को पता चल ही जाता है, हम लोग खबर देते हैं कि उन्मुख तारीख को आपका पंचायत में आपके गाँव में जो है ग्राम सभा होने वाला है। तो ग्राम सभा में जैसे ये लोग यहाँ का प्रस्ताव हम लोग को दिया कि यहाँ हम लोग का 1 एकड़ ज़मीन है और जहाँ कुछ खेती होती कुछ होता नहीं, ऐसे बंजर पड़ा हुआ है, तो ये लोग अपना ग्राम सभा में नाम दर्ज करवाया योजना का, उसको सर हम लोग सेंक्शन कराए। सेंक्शन कराने के बाद योजना को जो है ना धरातल में लाने का पूरा हम लोग प्रयास किए। सर बदलाव तो बहुत हुआ है, पहले तो ये लोग अपना रोजगार पाने के लिए सर कहीं बाहर चले जाते थे, जब इसका अपना गाँव में ही योजना हुआ तो दिन भर सर ये लोग यहाँ पे अपना काम करते हैं, देखभाल भी करते हैं, अच्छा इसका अपना ज़मीन में सर पूरा मेहनत भी ये लोग करते हैं, और उसका हम लोग नरेगा के मुताबिक ये लोग का पासबुक हम लोग पैसा डालते हैं सर। आज आप देखिए हर गांव में सर आपको योजना मिलेगा, जहाँ गांव का आदमी अपना घर के बगल में काम करते हैं सर, और उसको काम का सही दाम भी मिलता है, जिसके बदौलत सर आज देखिएगा हर गाँव में पक्का मकान मिलेगा सर, हर घर घर में जहाँ आपको पढ़ने लिखने वाला बच्चा मिलेगा, अच्छा रहने का भी स्टैंडर्ड अभी बहुत चेंज हो गया सर, रहने का पढ़ाई का सारा कुछ चेंज हुआ है सर, पहले जो भी था पहले के तुलना में बहुत कुछ चेंज हुआ है। ये जो योजना है हमारा बिरसा हरित ग्राम योजना, जिसमें फलदार वृक्ष और इमारती वृक्ष लगाने का ये योजना है, इसमें जो भी किसान है जिसकी ज़मीन बंजर भूमि पड़ी हुई है ऐसे ही, उसमें किसी प्रकार का लाभ वो उठा नहीं पा रहे थे, तो हम लोगों ने इस जब सरकार ने हमको ये योजना दी तो हम लोगों ने इस योजना का प्रचार प्रसार किया ग्रामों में, और ग्राम सभा के माध्यम से वैसे किसान जो अपनी भूमि पर किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे, उसको हम लोगों ने बृहद पैमाने पर बिरसा हरित ग्राम योजना का लाभ के बारे में बताया कि यहाँ पर आम बागवानी जो है और फलदार वृक्ष लगाने की योजना है, इसमें सारी खर्चा जो है हमारी सरकार देती है, गड्ढे की खुदाई से लेकर के वृक्ष लगाने तक उसकी देखभाल करने तक की। सिर्फ इसमें क्या था कि मॉनिटरिंग लाभों को ये खुद करनी है कि हमारा जो वृक्ष है उसमें पानी सही से दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, हमारे फल का जो वृक्ष है वो किसी प्रकार कीड़ा से ग्रसित तो नहीं हुआ है, इसकी अगर ग्रसित हुई है तो इसकी सूचना
जो संबंधित पंचायत के कर्मी हैं जिसको डिपुट किया गया उनको सूचना दे ताकि उस पर सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सके। और इस फलदार वृक्ष से पौधे से लोगों को काफ़ी फायदा हुआ है। हमारे यहाँ तो ये जो पौधा हरी सेक का हम लोग देख रहे हैं ये तो अभी हमारा 2-3 साल पूरा नहीं हुआ है, जबकि 3 साल पूरा होने के बाद इसमें फल आएंगे उससे इन लोगों को फायदा होगा। हमारे ये खापुर पंचायत में बहुत सारे प्लांटेशन के पौधा लगाया गया है जिसका 3 साल से ऊपर हो भी गया है और लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। उसमें आम की बागवानी से जो फल आया उसको लोग खाए भी हैं और कुछ हद तक उन लोगों ने अपना बेचा भी है जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी आया है। बहुत ही बदलाव आया है सर, बहुत लाभ हुआ है उन लोग को। जैसे कि हम लोग अभी जो सुखाड़ हो गया, पिछले साल भी सुखाड़ हुआ था, पानी नहीं हुआ, उसमें जो है सर कुआं से जो है बहुत को जो है धान का खेती भी किया। इसके बाद जो है धान खेती कटने के बाद सरसों गेहूँ इसके बाद आलू ढेर सारा हुआ है सर, उपज हुआ है। हाँ, ये जो सिंचाई कूप वगैरह लगाते हैं चाहे बिरसा हरित योजना वगैरह लगाते हैं, बहुत ही हमारा खापुर पंचायत का जितना लाभुक है सर, बहुत ही अच्छा लाभुक के साथ साथ जो है वहाँ का जो किसान लाभान्वित है उन लोग को भी अच्छा लाभ मिल रहा है जी सर। और उसमें जो है हम और चाहते हैं कि इस तरह का योजना बने प्लांटेशन, इसके बाद लाभान्वित हो, कृषक का आमदनी अच्छा हो। इसमें जो है जैसे कि अभी प्लांटेशन जो हम लोग लगाए हैं कुछ कुछ ऐसा हो गया है कि प्लांटेशन बड़ा बड़ा हो गया है और फल भी देने लगा है। उसमें जो है जैसे सुखाड़ होने से भी जो है वो गरीब आदमी का जो है वो आर्थिक स्थिति को जो है उसमें सुधार हो जाता है। यहाँ प्रत्येक साल लगभग 200 एकड़ में बिरछा हरित ग्राम योजना का को लगाया जाता है। इसमें सबसे पहले है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जो जीविका के उपार्जन का साधन है उसका विकास किया जाता है। प्रत्येक किसान को 1 एकड़ में वृक्षारोपण दिया जाता है, उसमें सरकार के तरफ से जो भी उसका खर्च है लगाने वाला घेराबंदी वृक्ष सभी टाइम टाइम पर 5 साल तक देखरेख किया जाता है। और जब वृक्ष पूरा तैयार हो जाता है तो कृषक का वृक्ष होता है, फल होता है उसका, वो स्वयं का मालिक बन जाता है और इस तरह से उसके ज़िंदगी में बिना कोई पैसा लगाए उसका अपना पूंजी लगाए सरकार का मजदूरी के साथ साथ उसको सभी सुविधाएं देते हुए उसका स्वयं का 1 एकड़ वृक्ष तैयार हो जाता है और उससे जो फल होता है उसका आमदनी का स्रोत बनता है। बिरसा हरित योजना का चयन जो बंजर भूमि है जिसका उपयोग किसान किसी भी तरह नहीं करते हैं वहाँ पर हम लोग उसका चयन करते हैं और उसमें उसके साथ साथ उसमें कुआं भी देते हैं जिससे वह सिंचाई का साधन का विकास होता है। साथ साथ गाती को तीन कार्यक्रम रेबन बढ़ाई के दा जेचिलिका दुमका जिला रेन सखी मंडल रेन गोगो हड़दो आकुआ जंगारे को तिंगू केटे दाड़ेओ कावदा एकेन आरसीटी माध्यम ते उनको प्रशिक्षण को न्याम दा एफएलसीआरपी बिना लगी उना होते ते उनको अडी आठ गोड़ो को न्याम कदा और उना साथे पाकुड़ जिला रिया खापुर अतु रेबन नेल किदा जेचिलिका बिरसा हरित ग्राम योजना होते ते ओंडे रेन हड़दो गोड़ो को न्याम कना और उना साथे गाती को दिला तो बे तो केंद्र सरकार रिया मिटन योजना बाबत इन ले या पेया उकादो का ना सुकन्या समृद्धि योजना गाती को अब उन बढ़ाया जे सरकार से कौन अब उन बिच्ची की तरह को लगी अहमा लिकाना योजना में ना मैं इनका नुआ योजना रे गाती को आसो कहते 10 बच्चों कौन कटी और कोई गिद्रा को मिना कुआ कुड़ी गिद्रा विशेष कर उनको लगी नुआ योजना बिनाओ कना उकारे अब गोगो बाबा बिटी गिद्र लगी 65% बुन जमा दाड़े आ बैंक रे बजट खाता बिनाओ करते आ तीन हबे बिटी गिद्र दो 21 बच्चों रेन बाय हुई बा उन हबे उन टका दो बाबू नुडू का जमन उन्हीं दो 21 बच्चों बाद चाहे बुन बपलाई से लहा से पढ़ा लगी उन्हीं लगी उना पैसा दो जमन व्यवहारो दिला तो बेगाती को उना साव तेगी तिही ना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जो तो कुछ हैं विदाई खोजो कना जोहार।